जी दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान के मारूफ अदाकार शोबीज शख्सियात जिन्होंने 2022 में शादियां की थी उनका मैंने जिक्र किया था कि जिन्होंने जो नई ज़िंदगी के बंधन में बंध गए थे। इसके साथ एक वीडियो मैंने ये भी बनाई थी कि 2022 में किन किन शोबीज शख्सियात की अलहदगी हुई। आज हम बात करेंगे भारत की मारूफ शख्सियात बॉलीवुड की जो 2022 में शादी के हसीन बंधन में बंध गए, आज हम उनके मुतल्लिक बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि भारत बॉलीवुड अदाकारा मौनी रायलंदन जो हैं इन्होंने भी 2022 में शादी की थी। ये इन्होंने लंदन कॉन्फिडेंशियल में काम किया, गोल्ड एक फ़िल्म थी उसमें काम किया, इसके अलावा रोमियो में किया, अकबर वाल्टर में किया और दबंग जैसी फिल्मों में जलवा गर हुई। ये अदाकारा मौनी राय इन्होंने जनवरी 2022 में शादी की थी। दोस्तों इसके साथ आप देख सकते हैं फरहान अख्तर और शिबानी डेंडिकर। बॉलीवुड अदाकार फरहान अख्तर और फैशन डिज़ाइनर शिबानी डेंडिकर ने फरवरी 2022 में शादी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, शीतल ठाकुर और विक्रांत मेसी ने जो है, ये बॉलीवुड अदाकारा शीतल ठाकुर और अदाकार विक्रांत मैसे हैं मैसी ने भी फरवरी 2022 में शादी कर ली थी। ये चौथे यानी कि तकरीबन तीसरा जो था जोड़ा भारत का जिन्होंने शादी की थी। इसके अलावा 2022 में शादी के बंधन में बंधने वाले करिश्मा तन्ना और वरुण बंगरा जो हैं, मॉडल और अदाकारा करिश्मा तन्ना और अदाकार रोविन बंगरा ने भी दूसरी शख्सियात के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 2022 के दूसरे महीने में शादी कर ली थी। इसके अलावा अदाकार जो हैं भारत के मारूफ अदाकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने भी 2022 में ही शादी कर ली थी। बॉलीवुड के चॉकलेट हीरो रणबीर कपूर हैं और इन्होंने मशहूर जो हदायतकार हैं महेश भट्ट, उनकी बेटी अदाकारा आलिया भट्ट के साथ 14 अप्रैल 2022 को शादी करके नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं भारत के मारूफ गुलकार A.R. रहमान जो हैं, उनकी बेटी गुलकारा खतीजा ने भारतीय अवार्ड याफ्ता गुलकार जो हैं मौसीकार भारतीय अवार्ड याफ्ता गुलकार और मौसीकार A.R. रहमान की बेटी हैं, गुलकारा भी हैं ये खतीजा रहमान। इन्होंने मई 2022 में शादी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। दोस्तों ये यानी कि 2022 में जो बॉलीवुड की शख्सियात हैं जिन्होंने शादी की थी, इनके हवाले से मैंने आपको आगाह किया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो शादी के बंधन में बंध गए। इसके साथ मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें 2022 में जिन पाकिस्तानी शोबीज शख्सियात की तलाक हुई, अलहदगियाँ हो गई, उनके हवाले से भी आपको आगाह किया। इसके साथ ही ऐसी वीडियो भी बनाई थी मैंने जिसमें बताया था कि पाकिस्तान के जो मारूफ शख्सियात हैं 2022 में वो शादी के हसीन बंधन में बंध गए, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस तैयार करता रहता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इसी तरह की दीगर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। तो अपने दोस्त अरसलान गोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।